गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजना भारद्वाज। तो दोस्तों, मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह। रोज़ सुबह सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, फ्रेश वगैरह होके फिर मैं चले जाती हूँ छत पे करती हूँ मैं अपनी सारी एक्सरसाइज फॉर माय वेट लॉस। क्योंकि मैं ये जो एक्सरसाइज है ये मैं रेगुलर करती हूँ और मुझे इनको करते हुए हो गए हैं कोई मतलब 7-8 महीने हो गए हैं। मैंने इन एक्सरसाइज को करके अपना काफ़ी हद तक वेट कंट्रोल में रखा हुआ है। पहले मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, बट मैंने ये एक्सरसाइज जब से कर रही हूँ तब से मैंने अपना वेट ना काफ़ी कम कर लिया है। और क्योंकि मेरा ये है ना, मेरा क्या होता है कि मेरा खाने पीने का भी कोई परहेज नहीं होता, मैं खा लेती हूँ सब कुछ, पर मैं ऑयली और फ्राइड चीज़ें कम खाती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी मतलब डाइटिंग करने लग जाऊँ तो मेरा वेट और ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, पर मैं खाने पीने का परहेज नहीं करती। मैं सब कुछ खाती हूँ, बस ऑयली चीज़ें बाहर की चीज़ें सब अवॉइड करती हूँ मैं। तो अभी मुझे 2-3 किलो और कम करना है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा पेट भी निकला हुआ है, तो आजकल मैं अपना पेट कम करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। बीच में मैंने ये छोड़ दी थी, बीच में मेरा काफ़ी वेट कम हो गया था, बट ठंड आई, ठंड की वजह से मैं छत पे नहीं आ सकी, तो फिर मैं उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाई। पर तब भी मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ रोज़ उठ के। अब तो खैर गर्मी आ गई है, अब तो मैं जितनी हो सके उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि यार मुझे ना एक्सरसाइज करके बहुत फ़र्क महसूस हुआ अपने बॉडी में। मैं किसी दिन ना आपके लिए, वैसे तो मैंने अपने इस चैनल में ना बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियो शेयर की हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी एक्सरसाइज कर करके मैंने अपना वेट लूज़ किया है, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बट मेरा जो ये चैनल है ना यार, ये मेरा मतलब थोड़ा बहुत ग्रोथ किया है मेरी एक्सरसाइज की वीडियो की वजह से, वो लोगों ने काफ़ी पसंद भी किए हैं। फिर मैंने व्लॉग बनाना भी शुरू कर दिया क्योंकि मेरा व्लॉग चैनल भी था। तो स्टार्टिंग में जब मैंने एक वीडियो डाली थी, वो मैंने एक्सरसाइज की वीडियो डाली थी, फिर उसके बाद मैं अपने व्लॉग भी डालने लग गई, अपनी रेमेडीज़ की वीडियो भी डालने लग गई। तो ना मैं मतलब शुरू से ही 7-8 महीने से ही काफ़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और इससे ना मेरा बीच में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था, तो मैंने वो भी कंट्रोल कर लिया। और भी यार, इससे पहले जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, इससे पहले मैं 15-20 मिनट बैठ के लोम विलोम कपाल भाती करती हूँ, तो बस यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज वगैरह ख़त्म हो गई। फिर आ गई मैं किचन में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का स्कूल था तो उनको जाना था स्कूल, और बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं 3 दिन की। तो मैं सबसे पहले किचन में जब आती हूँ तो मैं पहले गर्म पानी के साथ लेती हूँ मेथी। ये भी मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, क्योंकि मेथी जो होती है ना आपके वेट लॉस के लिए भी काफ़ी हेल्प करती है, पर यह ना थोड़ी गर्म तकसीर की होती है, तो कईयों को शूट करती है, कईयों को ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उस हिसाब से अपनी बॉडी के हिसाब से देख लें किसको शूट करती है किसको नहीं करती है, वो ना खाएं। पर मेरे को शूट कर जाती है, क्योंकि इससे यार बहुत ही फ़र्क पड़ा है मेरी बॉडी में। तो जैसे किसी को जोड़ों की दर्द रहती है, वो खाली पेट इसको खाए तो काफ़ी रिलीफ मिलता है, तो मॉर्निंग का ये रूटीन होते हैं मेरे मैक्सिमम। तो दोस्तों, ईवा का आया है पार्सल, और ईवा क्या मंगवाया तूने? डांसिंग कैक्टस मंगवाया है इसमें। डियर, ये डांस करने लगती। आधी फिर से कैसे कैसे बता। इसका बना ले, वैसे भी तो रोज बनाती है इसका डांसिंग कैक्टस। तो दोस्तों, ईवा का बर्थडे गिफ्ट आ गया है, डांसिंग कैक्टस। आई कैंची को, कैंची कहाँ रखी मैंने, वहां से निकाली। ईवा डांसिंग कैक्टस आया ईवा का, पर बर्थडे के दिन नहीं आ पाया बेचारा मेरा बच्चा। साइड था। अभी मेरे आदि का नहीं आया गिफ्ट यार, इसकी ना वो वाली गन आ रही है जिससे वो हेलीकॉप्टर वाला वो आ रहा है ना, वो मेरा आने को बहुत खुशी हो रही है यार। देखते दिखने में कैसा होगा, देखते दिखने में कैसा होगा यार, मेरे को बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा हो गया, इतनी तो अपने बर्थडे के दिन नहीं थी। ये चकुला, अरे आगे बच्ची कितने एक्साइटेड हो चुकी है। अरे फुल 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 को नहीं, मम्मा मेरे को खोलना है। अरे यार बेटी ऐसे कर, मेरे हटो हटो हटो। वाओ, हेलो, वाओ, चार्जिंग है। हाँ चार्जिंग पे लगेगा ना ये।
तो दोस्तों ईवा का गिफ्ट अब आया है बर्थडे के बाद, डांसिंग कैक्टस। आर यू हैप्पी? अभी आदि के लिए भी आ रहा है, आदि के लिए वैसे वो मंगवाया था, बंदूक मंगवाई थी, गन जो जहाज फेंकती है, बट अब इसने कैंसिल करवा दी वो। ये बोला मेरे को भी डांसिंग एक्टर्स चाहिए। अरे मेरे मन कर दिए बेटू नीचे से। बर्थडे के बाद आए क्योंकि ऑनलाइन सामान का कोई भरोसा नहीं होता कितने दिन में आएगा, मतलब 3-4 दिन लग जाते हैं। एक्चुअली ये हुआ कि हमारा लेट डिसाइड हुआ कि क्या मंगवाना है, क्योंकि इनको अपने गिफ्ट पसंद नहीं आ रहे थे, कभी ये लेना है कभी वो लेना है। फिर मैंने ऑनलाइन देखे तो बुआ ने बोला ये वाले मंगवा दें इनके लिए। आपका भी आ रहे बेटे, हेलो हेलो नमस्ते। बच्चे बहुत खुश है इसके साथ खेल के। तो दोस्तों अभी हो चुकी है शाम, रात होने वाली है। अभी सुबह तो मैंने बना दी थी शिमला मिर्च आलू, और दोपहर को बनाई थी मैंने कढ़ी खुद की लस्सी की। तो मेरे पास कढ़ी है, कुछ सब्जी भी है, तो मैं रात को कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं तो रात को कम खाना खाऊंगी और बच्चों को बुआ खिला देगी। एंड दोस्तों मुझे पूछा था किसी ने कि आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं बट आपकी जो लॉन्ग वीडियो हैं उसमें उतने व्यूज़ नहीं आते जितने आपके शॉर्ट्स में व्यू आते हैं। तो ये सच है, मेरे जो सब्सक्राइबर बड़े हैं वो मेरी ना शॉर्ट्स की वजह से बड़े हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे शॉर्ट्स हैं जो हिट गए हैं, जो मतलब मेरा जो कोई भी शॉर्ट्स है वो 500 से ऊपर या 1K 2K 3K व्यू जिसमें आते हैं उसमें मेरी उस दिन कम से कम 40-50 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, 30-40 बढ़ जाते हैं बहुत ईजी से। और एक मेरा शॉर्ट्स बहुत ही वायरल गया जिसमें 28,000 व्यूज़ आए, तो उसमें उससे तो मेरे को कम से कम 400-500 सब्सक्राइबर पड़े हैं उस शॉर्ट से मेरे। तो क्योंकि जब भी नया यूट्यूबर जो होता है ना, जब भी वो अपना चैनल ओपन करता है तो मेन तो उसको सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, और कैसे कैसे ग्रो करते हैं चैनल को। तो यार पता है क्या ना, अगर जैसे कोई बड़ा यूट्यूबर है तो वो हिट है तो वो अपने रिश्तेदारों के भाई बहन की हेल्प कर देता है तो उसके सब्सक्राइबर और सब हो जाते हैं पूरे, चाहे वो उनके कंटेंट अच्छे हों या ना हो। पर मेरे में सीन ये है कि मैं इकलौती यूट्यूबर हूँ अपने पूरे रिश्तेदारों में सब में, तो मैंने सबसे पहले अपना चैनल ओपन किया है। बट यार मुझे बहुत ही मतलब दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, बट मुझे जब ये पता चला, जब आप शुरू में चैनल ओपन करते हो ना, तो फिर ये होता है कि आप सर्च करते हो, जैसे मैंने बहुत जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनकी वीडियो सर्च की मैंने कि कैसे यूट्यूब पे ग्रो करें, कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएं, कैसे क्या क्या करें। तो मेरा वॉच टाइम जो है ना वो मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज की वीडियो लोगों ने बहुत ध्यान से देखी है तो उसकी वजह से मेरा वॉच टाइम बढ़ गया। अब मैं एक्सरसाइज की वीडियो कम ला रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ मैं लाना शुरू करूँगी अब एक्सरसाइज की वीडियो, क्योंकि उनकी वजह से मतलब मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ है और सब्सक्राइबर और एक्सरसाइज की वीडियो की वजह से भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, ब्लॉग की वजह से भी बढ़े हैं, बट कुछ मेरे ना शॉर्ट्स की वजह से बहुत सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो स्टार्टिंग में तो यार सब्सक्राइबर ही मेन होते हैं कि कैसे हमारे 1,000 सब्सक्राइबर हों, अब तो मेरे 1,000 से ऊपर हो गए, तो इसलिए मैं मतलब शॉर्ट्स भी अब रोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ शॉर्ट्स इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे रोज़ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। मेरे रोज़ कोई ही दिन ऐसा होगा जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर ना बढ़ते हों, तो इसलिए मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ यार, चाहे शॉर्ट्स में फ़ायदा हो ना हो, शॉर्ट्स में कुछ मिले ना मिले, मुझे नहीं पता। अभी तक मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई पैसा नहीं आया, बन रहे हैं मेरे डॉलर धीरे धीरे, जब भी आएंगे कोई बात नहीं यार, पहले अपना पैर जमाना है यूट्यूब में।
तो इसलिए लोग ना मेरे को शॉर्ट्स मेरे ज्यादा देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉन्ग वीडियो, बट मैं उनको बोलती हूँ मेरी लॉन्ग वीडियो भी देखा करो। अगर मैं सबसे पूछती हूँ कि मेरे से कोई कमी होती है तो मुझे बताया करो यार कि मैं कहाँ गलत हूँ या मैं कौन सा कंटेंट लेके आऊँ जो आपको अच्छा लगे, वो चीज़ें मैं सारी सोचती रहती हूँ। बट ये सच ये है कि मेरे शॉर्ट्स लोग ज़्यादा देखते हैं अकॉर्डिंग टू मेरी लॉन्ग वीडियो, बट मैं लॉन्ग वीडियो भी अच्छी बनाती हूँ। और बस यही है दोस्तों, अभी धीरे धीरे चला हुआ है काम, अभी मैं सीख भी रही हूँ खुद से, मैं रात को बैठती हूँ खुद से मैं सब सीखती हूँ, एडिटिंग वगैरह सब मैंने खुद सीखा है, जैसे थोड़ी बहुत करती हूँ। पहले मैं कैमरे सेल्फी कैमरे से वीडियो अपनी बनाती थी, अब मैं बैक कैमरे से बनाना शुरू किया सर्च कर करके पूछ के सबसे। तो अभी हो रहा है काम धीरे धीरे। आप मुझे अपना प्लीज़ मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो आप, और मेरे को कमेंट भी किया करो अपने प्यारे प्यारे कमेंट, गलती होगी वो भी बेझिझक बताया करो। ठीक है दोस्तों।